कार्रवाई, 60 करोड़ से ज्यादा की नशीली दवाइयां जब्त हुई। पुलिस ने 3 आरोपियों को गिरफ्तार किया। राजौरी गार्डन बर्गर किंग शूटआउट मामले में एक आरोपी विजेंद्र गिरफ्तार हुआ। पुलिस के मुताबिक बदमाशों ने पुरानी रंजिश के चलते अमन को उतारा था मौत की घाट। दिल्ली पुलिस के स्पेशल सेल ने बदमाश विजेंद्र को पटियाला कोर्ट में पेश किया। कोर्ट ने विजेंद्र को 7 दिनों की पुलिस कस्टडी में भेजा। गैंगस्टर हिमांशु भाऊ का बेहद करीबी बताया जाता है विजेंद्र। मध्य प्रदेश के बड़वानी में अवैध शराब के खिलाफ आबकारी विभाग की कार्रवाई। लग्जरी कार से 2 आरोपियों को 40 पेटी अवैध शराब के साथ पकड़ा गया। उत्तर प्रदेश के सहारनपुर में महिलाओं से चेन स्नैचिंग करने वाले घरों का भंडाफोड़ हुआ। पुलिस ने 3 आरोपियों को गिरफ्तार किया। पुलिस ने लुटेरों से नकदी और अवैध असलहा बरामद किया। यूपी के लखीमपुर खीरी में शराब तस्करों के खिलाफ बड़ी कार्रवाई। 80 लीटर अवैध शराब पकड़ी गई। 1500 किलो लहान नष्ट किया गया। आबकारी टीम को चकमा देकर तस्कर हुए फरार। ग्रेटर नोएडा में दबंगों के हौसले बुलंद। हथियारों से लैस दबंगों ने जनसेवा संचालक पर जानलेवा हमला किया। पुलिस मामले की जांच में जुटी। बहराइच में घरेलू विवाद में युवक की बेरहमी से पिटाई कर दी गई। लाठी डंडों और हथियार से युवक के रिश्तेदारों ने पिटाई की। पुलिस मामले की जांच में जुटी। बहराइच में बाइक सवार दर्जनों दबंगों ने 2 भाइयों पर किया हमला। दोनों भाइयों ने भागकर अपनी जान बचाई। पूरी घटना सीसीटीवी कैमरे में कैद हुई। पुलिस मामले की जांच में जुटी। यूपी के देवरिया में पुरानी रंजिश में चली गोली। युवक की हालत गंभीर, अस्पताल में भर्ती। पुलिस ने 2 लोगों को हिरासत में लेकर जांच पड़ताल शुरू की। बहराइच में उधार के पैसे मांगने पर दबंगों ने युवक को पीटा। जबरदस्ती पिलाई जहरीली दवाई। हालत बिगड़ने पर अस्पताल में भर्ती कराया। पुलिस मामले की जांच में जुटी। शाहजहांपुर में जेठानी देवरानी के बीच जमकर मारपीट हो गई, जहां दोनों महिलाओं ने एक दूसरे के बाल पकड़कर रास्ते में घंटों बवाल किया। वीडियो वायरल हुआ। शाहजहांपुर में बीच मार्केट में दबंगों ने दिन दहाड़े फायरिंग कर फैलाई दहशत। तहसील मुख्यालय की चंद कदमों की दूरी पर फायरिंग हुई। पुलिस मामले की जांच में जुटी। यूपी के सीतापुर में जमीन विवाद में दबंगों ने पूरे परिवार को बेरहमी से पिटा। मारपीट में एक ही परिवार के 5 लोग घायल हो गए। पुलिस मामले की जांच में जुटी। उत्तर प्रदेश के कुशीनगर में रिश्वत लेते हुए राजस्व निरीक्षक गिरफ्तार हुआ। एंटी करप्शन टीम ने 5000 रिश्वत लेते हुए गिरफ्तार किया। जमीन नापने के लिए रिश्वत ले रहे थे। यूपी के मिर्जापुर में मोबाइल चोरी के आरोप में 2 युवकों की बेरहमी से पिटाई कर दी गई, जहां पेड़ से बांधकर दबंगों ने पिटाई की। पीड़ित ने थाने में तहरीर देकर कार्रवाई की मांग की। उत्तर प्रदेश के शाहजहांपुर में मामूली विवाद पर भाई को कुल्हाड़ी से काटकर हत्या कर दी। बाइक का इंडिकेटर टूटने पर छोटे भाई की सोते समय हत्या हुई। हत्यारूपी भाई घटना को अंजाम देने के बाद बाइक से फरार हुआ। शाहजहांपुर में संदिग्ध परिस्थितियों में विवाहिता की मौत हो गई। फांसी के फंदे पर झूलता मिला शव। मायके पक्ष ने हत्या का आरोप लगाया। एशिया एवं भारत की सबसे लंबी बास्केटबॉल की खिलाड़ी पूनम चतुर्वेदी ने उज्जैन में महाकालेश्वर मंदिर में पहुंचकर दर्शन किए। मध्य प्रदेश के इंदौर में 30 मुसलमानों ने अपनाया हिंदू धर्म। खजराना गणेश मंदिर में हुआ हवन पूजन। नीलोफर बनी निकिता और रफीक बना रोहित। महाराष्ट्र में पेट्रोल डीजल सस्ता। पेट्रोल डीजल पर वैट घटाया गया। महाराष्ट्र में डीजल 2.60 रुपए सस्ता। पेट्रोल 65 पैसे प्रति लीटर सस्ता हुआ। मध्य प्रदेश के नर्मदापुरम में सिंचाई डैम का पास दिखा टाइगर। ग्रामीणों में दहशत का माहौल। उत्तर प्रदेश के सीतापुर में पारिवारिक विवाद के चलते पति पत्नी ने खाया जहर। दोनों की इलाज के दौरान मौत हुई। पुलिस मामले की जांच में जुटी। भारतीय सेना ने बाढ़ प्रभावित सिक्किम में 72 घंटे से भी कम समय में 70 फीट ऊंचा बेली ब्रिज बनाया। यूक्रेन के निप्रो शहर में रूस ने किया मिसाइल अटैक। रिहायशी इलाके में हुए हमले में 1 की मौत हुई। करीब 9 लोग घायल हुए। यमन में होती विद्रोहियों ने किया विरोध प्रदर्शन, जहां इसराइल और हमास के बीच चल रहे युद्ध को लेकर प्रदर्शन किया गया। सर्बिया में लिथियम खनन दोबारा शुरू करने पर जोरदार प्रदर्शन। प्रदूषण को लेकर सर्बिया ने पहले सभी खनन लाइसेंस रद्द किए थे।